मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के बड़वानी जिले पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सभी को मजबूत जिंदगी देने वाला है। भाजपा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। आपसे किए हर वादे, ये मेरे शब्द लिख लीजिए, हर वादा पूरा होगा, ये मोदी की गारंटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को एमपी के चुनावी दौरे पर रहे। उन्होंने विदिशा जिले के सिरोंज, चाचोड़ा, राघोगढ़ और चंदेरी के बाद दतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि बंटा ढाक ने मध्य प्रदेश को बेमारू राज्य बनाकर छोड़ दिया। भाजपा ने 18 साल में बेमिसाल मध्य प्रदेश बना दिया है। बेमिसाल एमपी को अब बेस्ट एमपी बनाएंगे। कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो क्या ही गारंटी देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश को देश की भ्रष्टाचार राजधानी करार दिया है और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। राहुल ने नीमच जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा नेताओं की लूट से राज्य की जनता को नुकसान हो रहा है। आपने भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा होगा, वे आपका पैसा लूट रहे हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के दूसरे वायरल वीडियो की जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि तोमर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए बिना और बिना गिरफ्तार किए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करना चाहिए। राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। हरदा नीमच की चुनावी सभा के बाद शाम को वे भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने करीब एक घंटे रोड शो किया। राहुल गांधी ने भोपाल शहर के 4 बत्ती चौराहे पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।